आरोप झूठे हैं, एक तरह से भड़काने का काम उन्हीं का है और वो राजनीति कर रहे हैं, वो ठाकुर कम्युनिटी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर प्रांतियों पे कोई हमले नहीं हुए, एक अफवाहों का बाजार है, अफवाहों के बाजार के अंदर इस तरह की ये करना मैं ये मानता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। अफवाह है, कोई पर प्रांतीय सब सुरक्षित है, जितने वो अपने स्टेट में सुरक्षित नहीं उससे ज़्यादा यहाँ सुरक्षित है। सबको बोलता हूँ कि यहाँ आपको कोई नुकसान नहीं होगा और अफवाहों में ना आइए, सोशल मीडिया की बातों में ना आइए, सब प्यार से रहिए, मिलजुल के रहिए। और अगर इनको सुरक्षा सरकार नहीं दे पाई तो हम सुरक्षा देंगे। पर परसों मैं सद्भावना उपवास करने जा रहा हूँ, सद्भावना उपवास के बाद मेरे आगे मेरी रणनीति तय करूँगा। तीन राज्यों में चुनाव भी आ रहा है, आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक साजिश हो सकती है? राजनीतिक साजिश है और राजनीति के बारे में आप जवाब देके मैं थक गया हूं कि राजनीति मेरा मुद्दा ही नहीं है, ऐसी राजनीति मैं करने के लिए नहीं आया। अंतिम सवाल अल्पेश है आपसे, आप आज मीडिया से बातचीत करते हो, सुबह भावुक भी हो चुके थे और राजनीति छोड़ने की भी बात कर रहे थे। इसलिए यार मेरा बेटा बीमार है और ऐसी गंदी राजनीति मैं थोड़े ना करूं। परपंथी को इतना ही यार, आप मेरे लोग हैं, अब मत जाइए, अब मेरे लोग हैं, सब आ गया, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये थे अल्पेश ठाकुर, जिनका साफ कहना है कि परप्रांतियों पर जो हमले हो रहे हैं वो सरकार की साजिश है और ठाकुर सेना का इसमें कोई हाथ नहीं है। और अल्पेश ने कहा, हम खुद उनको सुरक्षा देने के लिए तैयार है। गौतम जोशी, ईटीवी।